1985 में एक फिल्म रिलीज हुई थी, नाम था एडवेंचर्स ऑफ टार्जन। इस फिल्म में एक ऐसे एक्टर नजर आए थे जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग और बोल्ड किरदार से सभी के दिलों में जगह बना ली थी। उनकी जबरदस्त कदकाठी और स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें बॉलीवुड में एक नई पहचान दी। इस फिल्म से उन्हें इतनी शोहरत मिली कि वो रातों रात स्टार बन गए, लेकिन उनकी बढ़ती लोकप्रियता ने धर्मेंद्र और गोविंदा जैसे एक्टर्स के पसीने छुड़ा दिए थे। एक्टर का नाम था हेमंत बिरजे। आखिर फिल्म में ऐसा क्या था और एक डेब्यूटेंट एक्टर ने धर्मेंद्र और गोविंदा को कैसे पानी पिला दिया था, जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फिल्म एडवेंचर्स ऑफ टार्जन में हेमंत बिरजे ने टार्जन की भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने अपनी दमदार बॉडी और एक्शन सीक्वेंस से दर्शकों का दिल जीत लिया था। उनकी मस्कुलर बॉडी और चार्म ने उन्हें एक ऐसे हीरो के रूप में प्रस्तुत किया जिस तरह का हीरो उस समय के बॉलीवुड में कोई था ही नहीं। 1985 में आई फिल्म एडवेंचर्स ऑफ टार्जन के हिट होने के बाद फिल्म के हीरो हेमंत बिरजे इतने लोकप्रिय हो गए कि उनके दरवाजे पर निर्माताओं की कतार लग गई थी। फिल्म में हेमंत बिरजे ने टार्जन की भूमिका निभाई थी और वह उस दौर की नई पीढ़ी के आदर्श बन गए थे। उनकी फिट बॉडी ने युवाओं में क्रेज पैदा कर दिया था और यह देखते हुए हर निर्माता और निर्देशक उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहते थे। नतीजा यह हुआ कि हेमंत बिरजे ने टार्जन हिट होने के बाद 107 फिल्में साइन कर ली थी। जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी, उस दौर के स्टार्स की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही थी। हेमंत बिरजे ने अपने एक इंटरव्यू में खुद इस बात का खुलासा किया है। वो बताते हैं कि जिन फिल्मों में उनके साथ दूसरे सितारों को साइन किया गया था, उन्होंने फिल्में छोड़ना शुरू कर दिया। वे इतने फिट हीरो के साथ काम नहीं करना चाहते थे जो पर्दे पर उनके मुकाबले जवान और हैंडसम दिखे। उन्होंने खुलासा किया कि उस दौर के धर्मेंद्र और गोविंदा जैसे हिट स्टार्स ने भी उनके साथ पर्दे पे आने से मना कर दिया था। यहां तक कि मेकर्स की ओर से हेमंत पर ये दबाव भी बनाया जाने लगा था कि वो अपना फिटनेस कम करें। उस दौर में इकलौते मिथुन ही ऐसे स्टार थे जिन्हें हेमंत बिरजे के साथ काम करने में कोई समस्या नहीं हुई। दोनों ने साथ में मिलकर 20 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और इनकी जोड़ी भी काफी पसंद की गई थी। ध्यान देने वाली बात है कि फिल्म एडवेंचर्स ऑफ टार्जन के निर्देशक वी सुभाष थे। इन्होंने ही मिथुन की फिल्म डिस्को डांसर बनाई थी, जिससे मिथुन के सितारे बुलंदियों पर पहुंचे थे। ऐसे में मिथुन और हेमंत की जोड़ी के साथ वी सुभाष ने भी कई फिल्में बनाई जो काफी हिट रही। बॉलीवुड में मिथुन इकलौते ऐसे स्टार थे जिन्होंने हेमंत बिरजे को छोटे भाई की तरह स्वीकार किया और कोई एक्टर उनके साथ काम करना तक नहीं चाहता था। 100 से ज्यादा फिल्में करने वाले हेमंत बिरजे को इंडस्ट्री में वह पहचान नहीं मिल पाई जिसकी उम्मीद उनकी पहली फिल्म से लगाई जा रही थी। यही कारण रहा कि हेमंत बिरजे बॉलीवुड के ऐसे सितारों के लिस्ट में शामिल हो गए जो वन टाइम वंडर बनकर रह गए। अपनी पहली फिल्म से लोगों के बीच अपनी एक पहचान बनाने के बाद हेमंत आज इंडस्ट्री की चकाचौंध से दूर गुमनामी का जीवन जी रहे हैं। आपको हेमंत बिरजे याद है या आपने भी उन्हें भुला दिया, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।